नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं जिस चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ वो है बेस्ट इंजन ऑयल स्प्लेंडर के लिए। मेरे पास स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर आई स्मार्ट है। तो एक्चुअली मैंने बहुत सारा इंजन ऑयल ट्राई किया है। सबसे पहले जो हीरो का जो आता है 10W30 वो ट्राई किया, उसके बाद मैंने दूसरे मैन्युफैक्चर का ट्राई किया है। तो कुल मिला के मैंने 3 अलग अलग मैन्युफैक्चर का ट्राई किया है। एक है जो पहला वाला देख रहे हैं HP का, दूसरा है शेल का, और तीसरा जो है वो मोतुल का है। उसके डिब्बा मेरे पास नहीं है तो मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ कौन सा मैं यूज़ किया हूँ। ये जो मैंने यूज़ किया हूँ वह है मोतुल का 310040 गोल्ड 10W30। ये सेमी सिंथेटिक है और 3 बाकी दोनों भी सेमी सिंथेटिक है। तो प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो है HP का, ये आपको अमेजोन में मिलेगा 265 रुपीज़ में। उसके बाद शेल एडवांस जो है 10W40 AX7 वो आपको मिल जाएगा अमेजोन में अराउंड 350। एंड जो मोतुल का है, मोतुल को आपको मिल जाएगा आपका 384 में। तो अगर ड्रेन इंटरवल की बात किया जाए तो पहला जो HP का है वो आपको करीबन 1500 तक दे देगा किलोमीटर। उसके बाद आपको चेंज करना होगा। जो शेल का है वो आपको अराउंड 2000 दे देगा, एंड जो मोतुल का है वो आपको अराउंड 3000 दे देगा आराम से। तो अगर चिपचिपापन या फिर विस्कोसिटी की बात किया जाए तो जो चिपचिपापन सबसे ज़्यादा है वो मोतुल में है। उसके बाद मुझे लगा कि HP पे है, और उसके बाद है शेल में, मतलब शेल में सबसे कम है, पता नहीं क्यों। और मैं आज के वीडियो में सिर्फ HP का और मोतुल के बारे में बात करूंगा, क्योंकि शेल का जो है, शेल का मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। तो अगर इंजन वाइब्रेशन की बात करूं तो मोतुल में इंजन वाइब्रेशन सबसे कम है, मतलब आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि आपका इंजन वाइब्रेट कर रहा है। पहले क्या होता था, मेरा जब मैं 50 के ऊपर स्पीड में ले जाता था उसको, तो टैंक के वहाँ पर टैंक के साइड में और इंजन के नीचे के साइड में बहुत वाइब्रेट करता था, पर मोतुल जब से मैंने डालना शुरू किया तो ये पूरा वाइब्रेशन चला गया। तो मोतुल मैंने करीबन 5000 किलोमीटर तक चला रहा हूँ, एकदम ही वाइब्रेशन नहीं है दोस्तों। मतलब अगर जो 385 रुपीज़ आप देंगे तो मतलब आपका फ़ायदा ही है, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्योंकि ये डबल चलेगा ये HP के कंपैरिजन में। पर अगर आपको चीप चाहिए, कुछ सस्ते में चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आप इसको हटाइए, शेल को हटाइए, और सिर्फ ये वाला ले सकते हैं आप HP का। मैं सबका लिंक दे दूँगा, सभी मैंने अमेजोन से परचेज़ किया हूँ। HP रेसर सिंथ है 10W30, ये आपको HP का पेट्रोल पंप पे मिल जाएगा, अराउंड 265 रुपीज़ है, बहुत ही अच्छा है, आपको अराउंड 1500 किलोमीटर तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, वो आपको लगेगा कि हाँ अभी इसका चेंज करने का टाइम आ गया है। तो आप तो बहुत सारे वीडियो देखे होंगे YouTube पे कि कैसे चेंज करते हैं, तो वैसे आप चेंज कर सकते हैं, खुद ही चेंज कर लीजिए। मैं अभी खुद ही कर लेता हूँ, क्योंकि आप मैकेनिक के पास जाएंगे तो उन लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि यार ये सब फालतू है, ये है, आप कैस्ट्रोल डाल दो, कैस्ट्रोल सबसे बेस्ट है। पर ऐसा नहीं है, आप 10W30 HP का डाल दीजिए या फिर शेल का डालिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप या फिर HP को डालिए अगर आपके पास बजट कम हो, मतलब 265 में, और आपके पास बजट ज़्यादा हो तो आप मोतुल का ये वाला डालिए। पर ध्यान रखिए दोस्तों कि मैंने जो है ना, ये जो सभी जो 3 ब्रांड का मैंने नाम बताया, ये मैंने मेरा जो बाइक है उसका 5000 किलोमीटर ख़त्म होने के बाद ही ट्राई किया हूँ। मतलब अप टू 5000 किलोमीटर मैं हीरो का जो मिनरल ऑयल आता है, प्लेन मिनरल ऑयल, वही मैंने यूज़ किया हूँ, दूसरा कुछ यूज़ नहीं किया। उसके बाद मैंने फर्स्ट HP को डाला था, उसके बाद ये शेल को डाला था, और उसके बाद से मैं मोतुल यूज़ कर रहा हूँ। अभी कर रहा हूँ 15000 किलोमीटर तक मैं मोतुल को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही उसको रखा था फर्स्ट के प्राइस के मुझे HP, इसके बाद शेल, उसके बाद मोतुल। आपको लेना है तो इस शेल को छोड़ दीजिए या फिर HP को लीजिए, और नहीं तो
मोतुल का लीजिए एक, आप मॉडल नंबर ठीक से याद कर लीजिए, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।